नमस्कार, आज हम बात करते हैं अविस्फीति और संस्फीति की। मुद्रा के मूल्य के अध्ययन में 5 शब्दों का प्रयोग मुख्यतः देखा जाता है, वो हैं मुद्रा स्फीति, विस्फीति, अविस्फीति, संस्फीति और स्टैगफ्लेशन। मुद्रा स्फीति अपन देख चुके हैं कि ये वो स्थिति होती है जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि की दशा पाई जाती है। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उपायों को विस्फीति के उपाय भी कहा जाता है, जैसे ब्याज दर को बढ़ाना, कर लगाना, उत्पादन बढ़ाना आदि। इन दोनों का की विवेचना पिछले अध्याय में अपन देख चुके हैं और कर चुके हैं। इस अध्याय में अब हम बात करेंगे अविस्फीति की। अविस्फीति का अर्थ अगर हम पहले देखें, उसकी बात करें, तो मुद्रा के मूल्य के विवेचन में अविस्फीति की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अविस्फीति बहुत कुछ मुद्रा स्फीति के विपरीत लक्षणों वाली होती है। अविस्फीति की दशा में राष्ट्रीय आय और उत्पत्ति में कमी होती है, प्राय सामान्य कीमत स्तर में भी इसमें गिरावट आती है। अविस्फीति और विस्फीति, इन दोनों में अंतर होता है। अविस्फीति में कीमतें अपने साधारण स्तर से नीचे चली जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और आय घट जाते हैं और बेरोजगारी की स्थिति, उत्पादन के घटने की स्थिति और फर्मों के लिए व्यावसायिक हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन विस्फीति के द्वारा मुद्रा स्फीति को रोकने के उपाय काम में लिए जाते हैं ताकि उस पर काबू पाया जा सके। इससे बढ़ी हुई कीमतें पुनः अपने साधारण स्तर पर आने का प्रयास करती हैं। इसलिए दोनों में मूलभूत अंतर है। अविस्फीति स्वयं एक बीमारी है जबकि विस्फीति एक इलाज होता है। इन दोनों की प्रकृति, उद्देश्य और लक्षण ये एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। अविस्फीति का मुख्य लक्षण कीमतों में गिरावट माना गया है, लेकिन इससे इसके सहायक लक्षणों में बेरोजगारी का बना रहना या बढ़ना, उत्पत्ति में कमी आना और समाज में आमदनी में गिरावट का आना भी शामिल किया जाता है। ये दशा व्यापार चक्र के नीचे की ओर जाने वाले चरण में देखी जाती है। इसमें फर्मों का माल नहीं बिक पाता है, गोदामों में स्टॉक पड़ा रह जाता है, उत्पादकों के मुनाफे घट जाते हैं और मंदी का वातावरण छा जाता है, जो कभी कभी महामंदी का रूप धारण कर लेता है। अब इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में सामान्य रूप से गिरावट देखी जाती है। एक दो या कुछ एक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट को अविस्फीति नहीं कहा जाता है। जब कीमतों में सामान्यतः गिरावट, श्रमिकों में काफ़ी मात्रा में बेरोजगारी, उत्पादन में कमी, उद्यमकर्ताओं के मुनाफों में कमी या घाटे की दशाओं का उत्पन्न होना आदि लक्षण देखे जाते हैं, तो अविस्फीति की दशा मानी जाती है। अविस्फीतिकारी अंतराल का अर्थ। कीन्स ने अविस्फीतिकारी अंतराल का वर्णन प्रस्तुत किया। उनका ये कहना था कि जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र व्यय उस स्तर में पाई जाने वाली समग्र आय से कम होता है, तो उस अंतराल को अविस्फीतिकारी अंतराल कहा जाता है। समग्र व्यय में उपभोग व्यय और विनियोग व्यय को शामिल किया जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए उपभोग या विनियोग में या दोनों में वृद्धि करनी होती है, जो गुणक के प्रभाव के माध्यम से आमदनी में वृद्धि करके अविस्फीतिकारी अंतराल को समाप्त कर देती है। इसलिए अविस्फीतिकारी अंतराल को पाटने के लिए उपभोग या विनियोग या दोनों को बढ़ाना होगा, जिससे गुणक के अनुपात में आमदनी बढ़ने से ये अंतराल दूर हो जाएगा। अविस्फीति की दशा समग्र मांग में कमी से उत्पन्न होती है, अतः समग्र मांग के अभाव को दूर करने से अविस्फीति की दशा में काबू पाया जा सकता है। अविस्फीति के कारण, अब हम इसके कारणों की बात करें तो अविस्फीति की दशा मुख्यतः समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। जब उपभोग और विनियोग वस्तुओं की मांग उसकी पूर्ति से कम हो जाती है, तो सामान्य कीमत स्तर में गिरावट आती है और अविस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। अविस्फीति की स्थिति में अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पत्ति की मात्रा संभवतः उत्पत्ति की मात्रा से कम रह जाती है,
और अविस्फीतिकारी अंतराल पैदा हो जाता है। दूसरा कारण इसका है मुद्रास्फीति, मुद्रा की पूर्ति के उसकी मांग की तुलना में कम रह जाने से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार मुद्रास्फीति की दशा में मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से कम पाई जाती है, उसी अविस्फीति में मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से कम होती है, जिससे सामान्य कीमत स्तर में कमी आने लगती है। तीसरा कारण है कठोर साख नियंत्रण से भी अविस्फीति की दशा उत्पन्न हो सकती है। जब सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए साख नियंत्रण के उपाय लागू करती है तो एक सीमा के बाद मुद्रास्फीति तो नियंत्रित हो जाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसा व्यापार चक्र के नीचे की ओर प्रस्थान करते समय के रूप में देखा जा सकता है। चौथा है एक देश में मंदी का प्रभाव दूसरे देश को भी प्रभावित कर सकता है, अतः अविस्फीति छूत की बीमारी होती है। जापान और अमेरिका में आर्थिक मंदी होने से इनसे गहरा व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों में भी मंदी फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। विकसित देशों में मंदी होने से विकासशील देशों का माल वहाँ कम बिकने लगता है, जिससे वे भी मंदी, बेरोजगारी, गिरती कीमतों और कारखाने बंद होने की स्थिति का सामना करने लग जाते हैं। पांचवा है विकासशील देशों में सार्वजनिक निवेश में गिरावट आने से निजी क्षेत्र में उत्पन्न माल की मांग घटने से मंदी और अविस्फीति की दशा उत्पन्न हो सकती है। भारतीय उद्यमकर्ताओं की सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाएं ताकि उनकी सीमेंट, इस्पात, वाहनों आदि की मांग बढ़े और औद्योगिक मंदी की स्थिति में सुधार आए। अतः आर्थिक मंदी या सामान्य अविस्फीति की दशा प्राय मांग में कमी से उत्पन्न होती है और ये दूसरे देशों में भी फैल सकती है। इस पर अन्य तत्वों के अलावा ब्याज की ऊंची दरों, करों की ऊंची दरों, मुद्रा की विनिमय दर के अवमूल्यन आदि इनका प्रभाव पड़ता है, जो निवेश और विनियोग को हतोत्साहित करते हैं, जिससे आगे चलकर आर्थिक मंदी का वातावरण फैलता है। अब हम देखें अविस्फीति के प्रभाव। गिरती कीमतें, बढ़ती बेरोजगारी, बंद होते कारखाने, फर्मों के घटते मुनाफे, बढ़ते घाटे, ये स्थिति अविस्फीति में अधिक दुर्दशा को बताते हैं। इसके आर्थिक प्रभाव अगर हम देखें तो सबसे पहला है इसमें उत्पादकों और व्यापारियों को आर्थिक क्षति होती है, जिससे नया विनियोग हतोत्साहित होता है और पुराने विनियोग को कायम या बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार अविस्फीति विनियोग विरोधी मानी गई है, जो विकास की गति को अवरुद्ध कर देती है। दूसरा प्रभाव इसका होता है, इसमें ऋणदाता को लाभ होता है, क्योंकि कीमतें घटने से उसको जो ब्याज प्राप्त होता है उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और ऋणी को इसमें हानि होती है। लेकिन इसमें एक खतरा ये भी रहता है कि मंदी के कारण संभवतः मूलधन और ब्याज की राशि ऋणदाता को समय पर मिल ही नहीं पाए। तीसरा है इसमें उपभोक्ता वर्ग, जैसे चीज़ें सस्ती होने से उसको लाभ हो सकता है, उसकी क्रय शक्ति इसमें बढ़ सकती है। इस चौथा प्रभाव इसका है कि इसमें बेरोजगारी बढ़ने से श्रमिक वर्ग को हानि उठानी पड़ती है और सामाजिक और औद्योगिक अशांति बढ़ती है। पांचवा है सरकारी ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार को मूलधन की वापसी व ब्याज पर अदायगी के लिए ज़्यादा साधन जुटाने पड़ते हैं। छठा है मंदी के कारण आर्थिक विकास की दर घट जाती है, जिससे आर्थिक गिरावट और गतिहीनता का वातावरण फैलने लगता है। अब हम कल बात करेंगे मुद्रास्फीति और अविस्फीति के प्रभावों की तुलना की।